नमस्कार। सो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बड़ा ही बेसिक सा अलंकार है लेकिन वो बड़े ही काम का है। तो आइए उस अलंकार के आज ट्यूटोरियल देखेंगे। लेकिन उस अलंकार को मैंने प्ले करके अभ्यास करके मैं ग्रुप में भी डाला था। अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। और आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं बांसुरी पे, उसका एक छोटी छोटी वीडियो बना के या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके उस ग्रुप में ज़रूर डालिए, ठीक है। चलिए सो अब बात करते हैं उस अलंकार का, कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले वह तीन ताल में अलंकार मैंने अभ्यास किया था, और पहले मैं अभ्यास करके एक बार दिखाता हूँ, फिर मैं उसका ट्यूटोरियल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बीट को थोड़ा चालू कर लेता हूँ। आइए चलिए। इस तरह से ये अलंकार है, और आइए इस अलंकार को समझते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस पे बीट पे, और बीट से भी पहले आप नोटेशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कौन सा अलंकार है, देखिए इसमें आप सारे गापा चार पैटर्न बनता है, चार चार पैटर्न का एक मतलब कंप्लीट अलंकार मान सकते हैं आप, चार सुर का, ठीक है। सारे गापा फिर रे गा पा नी, धा नहीं, धा को नहीं बजाना है, ठीक है। देखिए सा रे गा पा, रे गा पा नी, शुद्ध नी, फिर गा पा नी सा, फिर पा नी सा रे, तार शतक का रे, फिर गा से शुरू करना है, तार शतक का गा से, गा रे सा नी, फिर रे सा नी पा, सा नी पा गा, फिर पा गा रे सा, ठीक है। इस तरह सा अलंकार है, और आप 16 मात्रा के बीट पे जब अभ्यास करेंगे तो बीट को समझने का कोशिश कीजिए और बीट पे ही अभ्यास कीजिए। आइए मैं अभी आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ उस बीट को, और अगर आप मोबाइल में एप्लीकेशन से बजा रहे होंगे जैसे मैं भी बजा रहा हूँ, तो उस पे जो भी ठेके है, जो भी तबला का बोल है, वो डार्क हो जाता है जो बज रहा होता है, ठीक है। तो उससे भी आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं ये ताल को समझने के लिए, ठीक है। चलिए इसका जो बोल है देखिए कुछ इस तरह से, आइए मैं एक बार को बोल के दिखा देता हूँ। इसका जो बोल है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ना तेरे धिन धिन धा, कुछ इस तरह से बोल है। तो कुछ अगर बोलने में मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बोल मेरे दिमाग में उतना नहीं रहते हैं, मैं भी देख के बोला हूँ। और आइए एक बार सुनते हैं, देखिए फिर यहाँ से बोल शुरू हो गया इसका, ठीक है। इस तो चलिए और आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।